आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमारा ध्यान बटा, हम आपस में बात करने लगे तो दोनों ने एक साथ चाकू निकाला और एकदम मारने लगे। जो अंशु है, अंशु नाम का, वो थाने में मेरे को धमकी भी दे रहा था, जो गवाही देगा उसको मैं आके मार दूंगा। तो एसएचओ साहब है, वो विशाल नाम का लड़का है, उसका मामा लगता है सगा, तो वो इस बात का फायदा उठाता। मैं बीट पर गया उनके साथ, तो वहाँ जाके उन्होंने मेरा रिमांड लेना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया, उन्होंने बेल्ट के पट्टे बना रखे, उन्होंने मेरे को बहुत बहुत बुरी तरह मारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट, मैं हूँ आपके साथ दीपा। दिल्ली में क्राइम की घटना तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, ना कोई रोक है अपराधियों के लिए, ना ही कोई टोक है, ना ही कोई डर है। सरेआम अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि 7 महीने पहले दो दोस्तों के बीच मनमुटाव चल रहा था, मनमुटाव बदले में हो गया और बदले को चक्कर में आकर 20 वर्षीय संतोष को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। सर बताइए क्या। 7 महीने पहले इन दो दोस्तों में, विष्णु नाम है, उससे हुई थी ऐसी छोटी मोटी लड़ाई, तब वो सॉल्ट आउट हो गया था, मतलब ठीक हो गया था। उसके बाद अभी इन्होंने उस लड़के का, उससे दूर दूर से, विष्णु से जिसने मारा है अंशु, वो दूर दूर से उसका कोई नाता नहीं है विष्णु से, पर पता नहीं बेखाम में क्यों मार दिया उसने भाई को। कहा जा रहा था कि 7 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी उसकी पिटाई कर दी थी संतोष ने, रवि का जो फ्रेंड है उसकी पिटाई की थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में हाथापाई हुई थी, दोनों लड़े थे, दोनों के लगी थी, तब दोनों फिर दोबारा वैसे ही हो गए थे, वरना आपको कोई लगता है कि पिट के कोई चुप हो जाएगा। पुलिस जो कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है जी, मामा लगता है उनका ऐसा अच्छो, जो इनकी जिनने मारा है उनकी गैंग है, तलवार गैंग, और उसकी जो लीडर है विशाल का जो मामा है वो ऐसा अच्छो है, तो ये लोग जाते हैं मारते हैं और फिर वापसी आ जाएंगे, आए दिन मारते रहते हैं। सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही है कि सरेआम वो धमकियां दे रही हैं, आपने देखी भी होगी। हाँ, वो हमने स्टोरी देखी है, उन्हें वो दो तीनों लड़के बैठे हुए हैं गैंग के और पुलिस वाला सामने है, वो कंबल वम्बल में बैठे हुए हैं, पुलिस वाला उन्हें कुछ कह नहीं रहा, मतलब पूरी घरवाली ट्रीटमेंट दी जा रही है उनको पुलिस स्टेशन में भी। ये जो विवाद चल रहा था पहले, वो किस चीज को लेकर चल रहा था? ये इनका पहले का कुछ था और एक लड़की है युशिका नाम की, उसके वजह से हुआ है सारा कुछ, और कराया धरा सारा वीरू का है। तो ये जो आप बता रहे हैं वीरू और विशाल, ये दो मेन है। जो लड़की है उसका क्या मैटर है, लड़की क्या? सीधी सीधी बात बताऊं, मेरे भाई से पहले वो जो लड़की थी, वो मेरे भाई से उसकी वो थी, मतलब जीएफ थी, फिर मेरे भाई का ब्रेकअप हो गया, तो अब वो है उस वीरू की बंदी, तो उस वीरू ने करवाया मेरे भाई के, वीरू और विशाल ने। साथ वारदात के जस्मुदीद भी मौजूद हैं, उन्होंने ये जो पूरा वाक्य हुआ था उन्होंने अपना भी देखा था, अब उनसे भी बात करते हैं क्या है पूरा। वो कुछ नहीं, वो पहले आए थे तो वो आए हाय हेलो करके फिर चले गए, फिर वो बाद में दोबारा आए, कह रहे संतोष भाई तुमसे ना कुछ बात करनी है, वो उन्हें इस बात पे आगे ले गया, हम जा रहे थे तो उनने मना कर दिया तू मत आ, तो आगे ले गया, तो हमसे वो बहुत दूर ले गया उसको, उन्होंने थोड़ी देर बात करी, हम उसको देखे तो उन्होंने कुछ नहीं करा, जैसे हमारा ध्यान बटा हम आपस में बात करने लगे तो दोनों ने एक साथ चाकू निकाला और एकदम मारने लगे, फिर मैं एकदम उसके पीछे भागा, एक को मैंने पकड़ लिया था वो छुड़ा के भाग गया, और जो अंशु है, अंशु नाम का, वो थाने में मेरे को धमकी भी दे रहा था, जो गवाही देगा उसको मैं आके मारूंगा, उन्होंने मेरे को ये भी बोला था, और इनका करा जरा कुछ नहीं, विशाल इनका वो लीडर है, मेन बंदा वही है बस। कहा जा रहा है कि जो ये आरोपी हैं इसमें एक नाबालिग भी है। हाँ, नाबालिग है, उसी ने मेरे को धमकी दिया, कह रहा है मैं जल्दी आ जाऊँगा तू अपने बचा लियो जहाँ तक बचेगा। एसओ इनका मामा है, और क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े वो करते हैं, चाकू वगैरह वो मार के जाते हैं, और यहाँ के आई ब्लॉक वो झुग्गी के लड़के हैं, और आई ब्लॉक के लड़कों को वो उठा लेते हैं और फिर उनको मारते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं ये, और जो एसओ साहब है वो विशाल नाम का लड़का है, उसका मामा लगता है सगा, तो वो इस बात का फायदा उठाते हैं और वो उनका प्रशासन पूरा साथ देता है, इसी चक्कर में हमारे भाई को भी चाकू मार दिए। आई ब्लॉक में रहता हूँ, मुझे जे ब्लॉक के बीट वाले विनीत है बीट अफसर, वो मुझे शनिवार को मुझे यहाँ से ले गए, बोले कि तुझे साहब ने बुलाया है बीट पर, मैं बीट पर गया उनके साथ,
तो वहाँ जाके उन्होंने मेरा रिमांड लेना शुरू कर दिया, ना कोई बात, ना कोई कहा सुनी हुई, ना कोई बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बेल्ट के पट्टे बना रखे, उन्होंने मेरे को बहुत बहुत बुरी तरह मारा, मेरे पे पट्टा मारा हुआ है देखो। और मेरे को धमकी देते हैं कि मेरे को धमकी यूँ देते हैं कि क्या कहते हैं कि तू मुखबरियाँ दे मारे को, अगर मैं मना करता हूँ कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तो मेरे को कहते हैं कि तेरे को या तो कट्टे में बंद कर देंगे या NDPS में बंद कर देंगे। मेरे को बंद करने की धमकी देते हैं। मेरी मम्मी बोल सुन नहीं सकती है और मैं इसी डर के मारे मैं अपने घर नहीं जाता हूँ, मैं अपनी बहन के घर रहता हूँ। इसी चक्कर में मैं 3 दिन से अपने घर नहीं गया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।